हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डेली आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम मॉड्यूलर किचन के बारे में आपको बताने वाले, डिस्कस करेंगे कि हमने मॉड्यूलर किचन किस तरह से बनवाया है। तो आज इसी के बारे में पूरी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे कितना कॉस्ट और लागत क्या आएगी। आपका ये जो मॉड्यूलर किचन बना है, पूरी कॉस्ट क्या इसकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ब्लैक एंड जो येलो का कॉम्बिनेशन किया। देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे जो मिलता है, नीचे वाला स्पेयर, तो यहाँ पर आपको आपका सरमाई का यूज हुआ है, ब्लैक और रेड का सरमाई का यूज हुआ है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हम आपको इस किचन के बारे में बता दे रहे हैं। इसकी जो सामने से मतलब चौड़ाई है, ये आपकी 11 फीट है। और ये इसके और इधर इधर देख सकते हैं आपकी ये बेसिन का एरिया है। तो यहाँ पर 3 फीट का बेसिन का एरिया आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपका एक बेहतरीन सा किचन देखने को मिलता है, मॉड्यूलर किचन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारा क्या क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने 3 टाइप से यहाँ पर कुछ तरीके से पलाई को बनवाया है। यहाँ पर हमारा स्टोरेज के लिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। और इसको आप आसानी से अपने इच्छा अनुसार आसानी से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से आप इसको निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये आपका चिमनी का एरिया है, यहाँ पर चिमनी है देख सकते हैं। और इसी चिमनी के नीचे आप यहाँ पे गैस चूल्हा आएगा। तो दोस्तों भी इस तरह से हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जिस तरह से मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। और यहाँ पर भी आप स्टोरेज के लिए भी सामान यहाँ पर मिला सकते हैं, इस तरह से हमने बनवा दिया इसको। और यहाँ पर आपका दोस्तों ये वाला स्पेयर जो है, यहाँ पर आपका गैस चूल्हा इसमें रहेगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से बेसिन का एरिया है। तो यहाँ पर हमने बड़े स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा मॉड्यूलर किचन है। हमने ब्लैक और रेड सरमाइका का यूज किया है। सारा हमारा प्लाई बोर्ड यूज हुआ है। आपको ये एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा मॉड्यूलर किचन देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये सरमाइका है, ब्लैक एंड रेड का सरमाइका है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सरमाइका है और बाकी हमारा सारा प्लाईवुड है। तो दोस्तों को इस बार हमारा मॉड्यूलर किचन था बेहतरीन सा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों इसकी लागत की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये हमारा मटेरियल के साथ और टोटल ये जो हमारा मॉड्यूलर किचन बना है, ये हमारा दोस्तों 80 से 85 लाख में, सॉरी 80 से कट कर देना।